लोकसभा चुनाव का महारण जारी है। 3 चरणों के मतदान के बाद अब 4 और चरणों के लिए मतदान होना बाकी है, जिसके बाद परिणाम का दिन यानी 23 मई भी आ ही जाएगा और फिर किसकी जीत होगी ये तो खैर परिणाम ही बताएंगे। लेकिन जरूरत है तो चुनाव लड़ रही अलायंसेस के पीएम पद के उम्मीदवारों का पता लगाने की, क्योंकि एनडीए तो इस मामले में पहले ही क्लियर विजन लेकर चल रहा है और देश क्या पूरी दुनिया जानती है कि अगर एनडीए जीता तो पीएम का ताज सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के ही सिर पर होगा। लेकिन मोदी के डर से अभी हाल ही में बने महागठबंधन का विजन इस मुद्दे को लेकर साफ नहीं है, तभी तो चुनाव खत्म होने की कगार पर धीरे धीरे पहुंचता जा रहा है, लेकिन ये अभी तक अपने पीएम पद का उम्मीदवार ही तय नहीं कर पाए हैं। अब जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर उंगली क्या उठाना, तो महागठबंधन तो इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन एनडीए के पास इस मुद्दे को लेकर बहुत कुछ है जिसको वो बोल सकते हैं और दुनिया को दिखा भी सकते हैं, साथ ही महागठबंधन के खिलाफ इसे भुना भी सकते हैं। और ऐसा ही किया बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जब वो बिहार के मुंगेर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एनडीए की तरफ से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष महागठबंधन पर जमकर बरसे। उनके मुताबिक वो अब तक करीब 255 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और जहां भी जा रहे हैं मोदी मोदी ही सुनाई दे रहा है। अमित शाह ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 55 साल तक देश में कांग्रेस और 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी का जंगल राज रहा, इसलिए लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। बीजेपी अध्यक्ष आगे कहते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आई तो हर दिन देश में अलग अलग प्रधानमंत्री होगा और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। अगर महागठबंधन का बहुमत आया तो सोमवार को ममता जी प्रधानमंत्री, मंगलवार को अखिलेश बाबू होंगे, बुधवार को बहन मायावती होंगी, गुरुवार को लालू जी होंगे, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, शनिवार को देवगौड़ा होंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। इसके अलावा भी अमित शाह ने बहुत से मुद्दों पर महागठबंधन को घेरा। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी महागठबंधन को जमकर धोया। फिर चाहे वो बीएसपी से समर्थन मांगने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ही बात क्यों न हो, जो पैर छूकर मांगने तो समर्थन पहुंचे थे लेकिन मायावती के इनकार ने उन्हें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन ने अपना गुणागणित बैठा लिया है, जिसमें आरजेडी को 20, कांग्रेस को 9, आरएलएसपी को 5, हम को 3 और वीआईपी को 3 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। और इन सभी पार्टियों ने मिलाकर बिहार में महागठबंधन को जन्म दिया है। वहीं एनडीए में शामिल बीजेपी और जेडीयू के बीच 17-17 सीटों पर बात बनी, वहीं उनकी साथी पार्टी एलजेपी को इस गठबंधन में 6 सीटें मिली हैं। लेकिन पीएम उम्मीदवार तो तय है, जबकि महागठबंधन के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन को इस कमी का नुकसान उठाना पड़ता है या फिर जनता एनडीए को इस प्लस पॉइंट का फायदा देती है, क्योंकि परिणाम तो 23 मई को ही घोषित होने हैं, तभी कौन से अलायंस को जीत मिली और किसको हार इसका फैसला हो पाएगा। तब तक करना है तो इंतजार कि आखिर महागठबंधन अपना पीएम उम्मीदवार घोषित करने में और कितना वक्त लेता है। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव हो जाए, परिणाम भी घोषित हो जाए और महागठबंधन इस सवाल में ही उलझा रह जाए। कहा कि देशद्रोह की दफाई उठानी, इसके लिए भाई जेएनयू के अंदर देशद्रोही तत्वों ने नारे लगाए भारत तेरे टुकड़े हो 1000 और बाहर राहुल बाबा जाकर खड़े हो गए, कहने लगे कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अभिव्यक्ति की आजादी है। मित्रों, भारत माता के टुकड़े करना अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोह? आप बताओ, अभिव्यक्ति की आजादी या देशद्रोह? वो चाहते अब सपा हट जाए, वो चाहते राजद्रोह की कलम हट जाए। मैं स्पष्ट किए देता हूं, राहुल बाबा जितना जोर है निकाल दो,
साथ में ना हो तो जेल में से लालू जी को भी छोड़ दो। मगर इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारत माता के टुकड़े करने वालों की जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार और सुशील जी की जोड़ी बिहार को देश का सबसे आगे ले जाने वाला राज्य बनाना चाहते हैं, एक नंबर का राज्य। मुझे बताओ देखो, ये लालू जी राहुल जी ये कर सकते हैं क्या? कम मौके दिए आप लोगों ने उनको, कम मौके दिए है। बिहार में विकास करने की शुरुआत नीतीश कुमार ने की है मित्रों, सुशासन बाबू नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर विकास करने की शुरुआत की और इसको आगे बढ़ाना है। मुझे बताओ मित्रों, हम एक घोषणा पत्र जिसमें हमने तय किया कि जब देश की आजादी के 75 साल होंगे तब इस देश में हर व्यक्ति के पास अपना एक घर होगा, हर व्यक्ति के घर में बिजली होगी, हर व्यक्ति के घर में पीने का पानी होगा, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएगी, हर व्यक्ति के घर में शौचालय होगा, हर व्यक्ति के घर में गैस का सिलेंडर होगा और हर व्यक्ति की स्वास्थ्य और उसका खर्चा केंद्र सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उठाएगी। मुझे बताओ, एक गठबंधन वाले इस प्रकार के भारत की रचना कर सकते हैं क्या? मैं उनको पूछता हूं, भाई बताओ, आपको अगर गलती से भी बहुमत मिल गया तो आपका प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने उनको भी गया तो जवाब ही नहीं देते। मैं 2 महीने से पूछ रहा हूं, मुझे लातूर से कार्यकर्ता ने SMS भेज दिया कि काम का क्यों गला फाड़ रहे हो, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बोला भेज दो भाई। तो उसने कहा देखो, अगर महागठबंधन का बहुमत आया तो सोमवार को ममता जी प्रधानमंत्री, मंगलवार को अखिलेश बाबू हो, बुधवार को बहन मायावती हो, गुरुवार को लालू जी होंगे, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, शनिवार को देवगौड़ा होंगे और रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। ऐसे देश चलता है भैया, चलता है क्या देश? ये लोग देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? ये लोग पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं क्या? ये लोग आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? ये लोग बिहार का विकास कर सकते हैं क्या? बिहार को देश में नंबर एक राज्य बना सकते हैं क्या? तो एक गठबंधन न देश का भला कर सकता है न बिहार का। हमने नीतीश बाबू के साथ गठबंधन किया है, यह अटूट गठबंधन है। मैं आज मुंगेर के मंच पर से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को अपील करने आया हूं, हमारे 2 निशान है बिहार में, 3 निशान। कमल का निशान तो है ही भाजपा का, तीर का निशान भी हमारा है, झोपड़ी का निशान भी हमारा है। हर कार्यकर्ता तीनों निशानों को निशान करता है। जदयू, पासवान जी की पार्टी और बीजेपी तीनों इकट्ठा होकर बिहार की सभी सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करे, इस प्रकार से। मुझे बताओ मुंगेर वालों, हमारे भाई ललन सिंह को, हमारे भाई ललन सिंह जी को प्रचंड बहुमत से जिताओगे? इनको दिल्ली भेजोगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दोगे? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दोगे? देखिए, ललन सिंह को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम बनाने वाला है, ये काम बनाने वाला। आज फिर से एक बार इतनी देर तक खुली धूप में आप खड़े रहे, इसलिए ललन सिंह जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपकी क्षमा मांगकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए,
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।